बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो स्टूडेंट्स, टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट साइंस वर्कबुक, पेज नंबर 37। इन दिस लेसन वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट अबाउट मैग्नेट। तो पेज 37 का टॉपिक है मेक योर ऑन मैग्नेट। हमने अपना ही एक मैग्नेट बनाना है। तो पहले इसकी जो छोटी सी उन्होंने आपको चीज़ समझाने की कोशिश की है वो आप रीडिंग करें, मैं बताती हूँ। मैग्नेटिज्म कैन बी पास फ्रॉम मैग्नेट्स टू अदर मैग्नेटिक मटीरियल। उन्होंने कहा कि मैग्नेटिज्म यानी कि मकनातीसियत जो है वो पास हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है एक मैग्नेट से दूसरी मैग्नेटिक मटीरियल तक, ऐसी चीज़ जो कि मैग्नेट बन सकती है। सो दे बिकम मैग्नेट्स, और वो भी मैग्नेट बन जाती है। कैसे, ये सीखने के लिए आप क्या करेंगे? वट यू विल नीड, आपको एक मैग्नेट चाहिए, एक छोटा सा आप मैग्नेट पकड़ें, आ नीडल, एक सुई, सम पिंस, कुछ छोटी छोटी पिंस जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाए। वट यू विल डू, आपने करना क्या? स्कैटर द पिंस ऑन द टेबल एंड यूज़ द नीडल टू ट्राई एंड पिक अप द पिंस। आपने टेबल के ऊपर भी खरीद देनी है पिंस, छोटी छोटी जो पकड़ी हुई हैं, उसके बाद आपने नीडल के थ्रू जो है उन पिंस को उठाने की कोशिश करनी है। डिड इट वर्क? आई थिंक जब आप ऐसा करेंगे तो नीडल के साथ वो पिंस नहीं चिपकेगी, ऐसा नहीं होगा। आप जब नीडल के ज़रिए उन्हीं पिंस को उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर आपने क्या करना है, होल्ड द नीडल बाय द आई, सुई की जो आँख वाला हिस्सा होता है, जिस तरह उसका होल होता है, सुराख होता है, आप उस तरह से उस सुई को पकड़ेंगे एंड स्ट्रोक इट जेंटली 30 times विद योर मैग्नेट। और आपने 30 मरतबा तकरीबन तेज़ी के साथ एक ही डायरेक्शन में उस सुई को आपने मैग्नेट के साथ रगड़ना है, मैग्नेट के साथ लगाना है उसे। मेक श्योर यू स्ट्रोक इन द सेम डायरेक्शन ईच टाइम, और हर बार एक ही तरीके से। अब मैग्नेट पड़ा है, आपने सुई पकड़ी और बार बार तकरीबन आप काउंट करके 30 times उसे मैग्नेट के साथ टच करें। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़ द नीडल एंड ट्राई अगेन टू पिक अप द पिन। सक्सेस यानी आपसे क्वेश्चन किया जाए, अब उसी सुई से जो आपने 30 times से मैग्नेट के साथ टच किया, स्ट्रोक किया बल्कि, उसी से आप अगेन पिंस उठाएं, तो अब आपने बताना है कि क्या इस बार आपने उठाया या नहीं, इस बार पिंस उसके साथ टच हुई कि नहीं। इसके बाद आप जो होगा आपने उसका आंसर राइट कर देना है। वो आंसर मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बाद बताती हूँ, जब हम अपना एक मैग्नेट बनाएंगे। अब हमने अपना मैग्नेट कैसे बनाना है, अकॉर्डिंग टू योर बुक आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ जो आप अपने घरों में करेंगे। पेज नंबर 70 पर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है और आपने वर्कबुक पर इसकी डायग्राम ड्रॉ भी करनी है। पेज नंबर 70 से आप देख कर ड्रॉ करेंगे। आपको चाहिए कॉपर वायर, नेल और बैटरी यानी सेल। ये तीन चीज़ें जब आप पकड़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, अब ये कॉपर वायर पहले वो गोल थी, आपने उसे पहले खोला है, खोलने के बाद आपने नेल के इर्द गिर्द उसको जो है रोटेट करने की कोशिश करनी है। इसको हमने बांध देना है, ये जब हम बांधते गए उसे, अब क्योंकि जो एक्स्ट्रा थी एडिशनल वायर हम एंड में बची वो हमने प्लास से कट कर दी। अब दोनों तरफ आप देख रही हैं नेल के दोनों तरफ हमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, कील के दोनों तरफ इतना छोड़ दिया कि हम उसे बैटरी के साथ अटैच कर पाए। उसके बाद आपने ये सेल लिया, ये बैटरी लिया छोटी सी, आप थोड़ा बड़ी बैटरी भी ले सकते हैं, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी पावरफुल हो गया आपका मैग्नेट, उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। अब जब आपने इसके दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड होती हैं, दोनों तरफ आपने ये वायर अटैच कर देनी है, टेप के थ्रू आप अटैच कर दीजिएगा। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार है। अब ये वर्क कैसे करेगा, आपने ये देखे डिफरेंट पिंस और छोटी छोटी पिंस भी आपने रखी हुई है टेबल पर, आप जब इसे उसके करीब लाएंगे तो वो पिंस इसके साथ चिपक जाएंगी, जिस तरह ये इसके साथ चिपकी है, ये बाकी भी ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज आपने अपना ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया है। तो जब आप अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बना ले तो आपने वर्कबुक पर आंसर लिखना है कि ये किस तरह वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर डैट वर्क थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और मैग्नेटिज्म यानी मकनातीसियत, इन दोनों के कम्बिनेशन से, इन दोनों को मिलाने से वर्क करता है। वेन द करंट इज टर्नड ऑन, जब करंट आता है उसमें द मैग्नेट वर्क, मैग्नेट काम करता है। वेन द करंट इज ऑफ, और जब करंट ना हो, द मैग्नेट स्टॉप्स वर्किंग, मकनातीस काम करना बंद कर देता है। मतलब इसे इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, मैग्नेटिज्म की भी। इसके बाद आपको मैंने जो बताया, आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है फ्रॉम द पेज नंबर 70 से, और फिर एक्सप्लेन करना है कि मैग्नेट आपका किस तरह, ये इसने मैग्नेटिज्म किस तरह प्रोड्यूस की है, इसके अंदर आपने किस तरह की बैटरी के थ्रू। तो ये आप वहाँ राइट करेंगे, आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने अपने घरों पर करना है, तरीका मैंने आपको सारा बता दिया, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और नेटिव स्कूल के स्लोगन को स्टूडेंट्स आपने नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज़।